सो रहे हैं। अब नहीं बचेगी तू। आज मेरा भाई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आज रक्षाबंधन है। ओए माँ। हैप्पी रक्षाबंधन। देख लूंगा तुझे। मम्मी मेरे कपड़े निकाल दो नए वाले। खुद निकाल ले कुत्ते। सुबह से आज मेरा माथा खराब है। तो हार के दिन तो युद्ध चला रहा है इस घर में। खुद ही करना पड़ेगा अब सब। मैंने 4 दिन पहले बोल दिया था रक्षाबंधन पे अपने घर जाऊंगी। मैंने भी 40 साल पहले बतला दिया था पंडित के सामने कि मैं चाहे हाँ करूं मैं चाहे ना करूं मेरी मर्जी। अच्छा राखी बांध के वापस आ जाऊंगी दिन के दिन। अरे तू मेरे को ये बतला तू यहाँ रहवे ही कितनी। दूसरे दिन तू अपने घर पड़ी रहे। 100 रुपल्ली तेरा भाई देखता ना राखी बंध भाई के तुझे 500 और मेरे खर्च करवा दे। तो पैसे लेने थोड़े जाऊं। ज्यादा जुबान न लड़ावे मेरी सुसरी। मेरा मुंह मत न खुलवावे। फिर मत कह दियो कि रामफल जो का कह दियो। तुम खोलो अपना मुंह खोलो। ले सुन ले फिर भाई तेरा एक और तू पूरे गांव में राखी बांधती फिरे और फिर घर आके हमें पैसे दिखावे कि मेरे भाई ने 5100 रुपए दिए मुझे। अरे पापा मम्मी चुपी हो जाओ यार। त्योहार के दिन थारा अलग ही महाभारत चले। बेटे मैं बतला रहा हूँ सुबह से मेरे हाथों में जो है खुजली सी हो रही। या तो पैसे आओगे या फिर ये हाथ किसी के गाल सुझाऊंगे। लड़ो फिर। चल अपनी बुआ धोरे फोन करके पूछ ले कितने देर में आ रही वो। ठीक है। अपनी बहनों को बुला लो रक्षाबंधन पर। दूसरों की बहनों को जाने ना दो। अबे तू जाके अपना काम क्यों नहीं करती। सुबह से एक चाय ना मिली मुझे। चल चाय ला के दे। हेलो बुआ जी कितने देर में पहुंच जाओगे। मुझे बेटे तो नहीं 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 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। पापा बुआ 1 घंटे में पहुंच जाओगी। अच्छा ठीक है। पापा आज रक्षाबंधन है मना मत करना। अब तू भी बतला दे क्या चाह रहे है तुझे। बस थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड के पास जाऊंगी। नहीं जाना इतना सारा काम पड़ा है और ऊपर से इनकी बहन आने लग रही। मैं अकेली क्या क्या करूं। अबे तू अकेली कहाँ है। ओए चल तू अपनी बहन के नाम का सारा काम कर। पापा मैं भी तो जाऊं था घूमने बाहर। अबे तू साले पिट जाओगा तो हार के दिन। आवारा लफंडर गंदी औलाद। ठीक है कर रहा हूँ काम। भाई बर्तन रगड़ रगड़ के साफ करना। सुन 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 रक्षाबंधन वाले दिन कितने पैसे मारूं मुंह पे तेरे। 1100। 1100 तेरे बाप ने भी देखे 1100। 1 रुपया दूंगा राखी का। बेटे 1100 रुपए से कम नहीं लेने की। अच्छा और वो कैसे लेगी। मैं पापा को बता दूंगी कि तू रात को लड़की से बात करता है। 2100 ठीक रहेगा मेरी बहन। सोच के बताऊंगी। सोच के बता देना मेरी बहन। बहुत पैसा तेरे भाई के पास। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी बहन। चलो आगे को रख लो कदम। नमस्कार जीजा जी आओ आ जाओ बैठो। नमस्ते भैया। और भैया कैसे हो आप। बस ठीक। तू बता अपनी। और जीजा जी खाते पीते नहीं क्या। बहुत स्लिम से हो रहे हो। भैया ये तो किलस किलस कर रोटी खावे तभी तो मोटे ना होते। बोलो तो कुछ गुंगे बन के बैठे रहोगे क्या। कुछ बोलूंगा तो तू पीटेगी घर जाके। और भाभी जी आप कैसे हो। घर नहीं गई अब की बार रक्षाबंधन पे। ना दीदी घर में काम इतने गई नहीं पर अगली बार पक्का जाऊंगी। चली जाना हम कौन सा रोकते हैं इसे। हाँ दीदी इस मामले में हमारा भाई बहुत अच्छा है ये नहीं मना करता कभी भी। वो तो पता है मुझे कैसे है। चलो फिर राखी वाखी बांधो और खाना वाना खाएंगे फिर। अरे भैया अभी रुक जाओ 2 बजे राखी का शुभ मुहूर्त है। पता नहीं दीदी हमारे त्योहारों को तो क्या हो गया 1-2 दिन आगे पीछे होते रहे। भैया तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें 2 बजे राखी बांधी थी। बस वही दिन तो नहीं भूल सकता मैं। उस दिन तुम दोनों की बहुत लड़ाई हुई थी ना।
उस दिन भैया को मैंने बहुत पिटवाया था पिताजी से। उस दिन के निशान आज भी है मेरी कमर पे। मैं बतला रहा हूँ तुझसे बड़ी गुंडी बहन न है कोई भी। चल अब राखी बांध और घर निकल अपने। बहन आज तो तगड़ा युद्ध होगा घर में देख लियो। भाई आज पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं। और मम्मी और बुआ को तो देख कितना गुस्सा हो रहे हैं। पता नहीं क्या होगा यार आज तो घर में। दीदी जो पिछली बार आपने रक्षाबंधन पे सूट दिए थे ना बहुत बेकार दिए थे सच में। ना तो वो सिलवाने के लायक थे और ना किसी को दिखाने के लायक थे। रात के 3 बजे खेतों में फेंक के आई मैं उन्हें। मेरा भाई इतना गरीब हो गया क्या कि मुझे इतने घटिया सूट दिए। बस राखी बांधो और चलते बनो जल्दी। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है ना अब कहाँ है ये मेरा घर। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो इतना ना सुनना पड़ता मुझे। अबे अगर वो आज भी जिंदा होते ना तो मैं बतला रहा हूँ तू मुझे फिर से कुटवा देती उनसे। तू है इस लायक कुत्ते। और ये जो भाभी है ना हमारी जब नई नई आई थी तो बड़े अच्छे अच्छे सूट देती थी और अब कचरा देती है कचरा। और तूने पिछली बार राखी पे मुझे 50 रुपए दिए थे। कहाँ दिए थे उधार कर लिए थे वो भी। बस बस अब जल्दी से राखी बांधो 2 बज गए और अपने घर निकलो जल्दी। रुक जाओ अभी 5 मिनट बाकी है। अबे हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे है। अच्छा फेंक देना। तुमसे तो बैग भी ना उठता क्या करोगे तुम। राखी तो घर ही रह गई। शाबाश मेरी बहन शाबाश यही उम्मीद थी तुझसे। तुमने सामान रखा था बैग में तुम राखी नहीं रख सकते थे। अरे इसकी क्या गलती है इसको मार रही है। सही बोले इसकी गलती नहीं है गलती तुम्हारी है। तुमने ही पसंद किया था ये मेरे लिए बोना ये। ये बोले बहन बहुत खुश रहेगी इसके साथ। हाँ तो खुश तो है तू। इतना सा तुम्हारा जीजा है बोना यहाँ पे आवे ना रोटी हो खावे ना। बोना कहीं का ये ढूंढा इतना सा बताओ। सब बोलते हैं बच्चा लेके घूम रही है अपना। कैसे बताओ ये मेरा पति कभी। जाओ दीदी ये राखी मैं अपने भाई के लिए लाई थी लो आप ले लो। इससे तो अच्छी राखी ला रखी थी मैंने अपने भाई के लिए। दे दूंगी 10 रुपए जाते हुए। लाओ हाथ आगे को करो तुम अपने। ए बस खाली राखी बांधेगी मिठाई मिठाई भी लाई ना। पैसे कितने लोगे। पैसे 51 रुपए। चीनी लाई हूँ 101। बतिस्सा खिलाऊंगी मोटे वाला 501। रसगुल्ले पेठा और मावे की बर्फी। दे बहन जल्दी पैसे दो जल्दी। अरे तू बहन तो पैसे दो पहले। अरे तू बांधेगी भी पैसे दे पहले। मैं पैसे दे दूंगा तू बांध दे। मैं पैसे दूंगा टेंशन क्यों ले रही तू। आंख फोड़ दी मेरी चावल घेर के। पैसे दे मेरे। पैसे कैसे। गेट खोल कुत्ते मेरे पैसे दे वरना तेरा खून पी जाऊंगी। क्या हुआ बे। अजीब बहन को राखी बंधवाई के पैसे नहीं दिए अब बहन चुड़ैल बननी। थारे घर में भी कड़े ऐसे चलता रहे। आ जा यहाँ आ जा। अच्छा नहीं पहले राखी बांध। गेट खोल नहीं पहले पैसे दे। राखी बांध पहले पैसे दे वरना खून पी जाऊंगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।